देश भर में दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं। रावण दहन के लिए पुतले तैयार हैं। इन पुतलों के लिए काफी समय से तैयारियां की जा रही थी। जो छह तस्वीरें आप देख रहे हैं, पानीपत, झज्जर, पंचकुला, करनाल, रेवाड़ी और पलवल, छह तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विजयदशमी के त्योहार की धूम मची हुई है। पानीपत, झज्जर, पंचकुला, करनाल, रेवाड़ी, पलवल, दशहरे को लेकर रावण के पुतले तैयार कर दिए गए हैं। आज रावण दहन होगा और साथ ही लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज का त्यौहार। चौबीस तारीख को विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस समय हम सेक्टर 13-17 में खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड जो है लगातार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं इस बार सबसे बड़ा नया जो है वो देखने को ये मिलेगा लोगों को कि देखिए ये जो है लंका स्वरूप एक झांकी बनाई गई है जिसको लेकर और इसके साथ ही जो है लंकनी जो है जिसका जो हनुमान जी जब लंका में गए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है उसको जो है मारा था। मारने के बाद ही उन्होंने जो है रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था। तो अपने आप में ये जो है ये चौंकाने वाली है कि होगी। हम जो है यहाँ के जो प्रधान है उनसे बात करेंगे। सर इस बार जो है एक स्पेशल चीज रखी है आपने, लंका दहन भी रावण परिवार के साथ साथ ये भी रखा है, ये क्या कुछ नया आइडिया है? ये लंका दहन होगा सबसे पहले, जब कल 5:41 पर रावण दहन होना है उससे पहले 5:30 पर इसका दहन होगा। ये बाहर इसके जो आप इस बार हमने पहली बार बनाया है और लंकनी मतलब एक रक्षक जैसे होते हैं तो दो ये पुतले बनाए गए हैं। ये वाले पहले इनका संस्कार होगा, फिर उसके बाद ये लंका जलेगी, उसके बाद वहाँ पुतलों पे कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के। क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? क्या कुछ तैयारी आपके सामने है, लगभग पूरी हो चुकी है। आज रात को पुतले सब खड़े हो जाएंगे और वैसे अगर आप रात को 9 बजे के बाद आओ तो वो देखने लायक होगा, तो लाइट्स वगैरह सभी लग रही हैं यहाँ पे। आपकी बार सीसीटीवी कैमरों की भी आपने लगातार उसको बढ़ाया, उसके बारे में? नहीं, सीसीटीवी कैमरा तो आप देख लो, सुबह से फिटिंग चल रही है हर तरफ, चारों रास्ते हैं इसके, चारों रास्तों पे कैमरे लगाए जा चुके हैं। देखिए दूसरी तरफ हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। देखिए जो अगर मैं रावण परिवार की बात करूं तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वहां पर हैं और अब की बार जो इनकी इनकी जो लंबाई है ये जो है 65 से 70 फुट के करीब रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां रखी हैं। लेकिन अपने आप में एक नई चीज यही है कि जिस तरीके से लंका का एक झांकी बनाई गई है, सबसे पहले इस लंका ये लंका दहन होगी, उसके बाद एक लंकनी जो है उसका दहन होगा, उसके बाद ही रावण परिवार को आप कह सकते हैं। और इसका समय जो है वो 5:41 पर रखा गया है। तमाम तैयारियां चल रही हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।